खाद्य तेलों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, सरकार ने कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए मंगलवार को खाद्य तेलों और तिलहन के थोक विक्रेताओं और शॉपिंग श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को भंडारण सीमा के आदेश से छूट दे दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में खाद्य तेल एवं तिलहन के विक्रेताओं पर से भंडारण सीमा हटाए जाने के आदेश की जानकारी देते हुए कहा है कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से थोक विक्रेताओं एवं शॉपिंग श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को खाद्य तेलों की अधिक किस्में और ब्रांड रखने की छूट मिल जाएगी। फिलहाल भंडारण की एक सीमा होने से उनके पास खाद्य तेलों का सीमित स्टॉक ही रहता था। सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहन की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए पिछले साल 8 अक्टूबर को खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और थोक उपभोक्ताओं पर भंडारण सीमा लगा दी थी। इसमें भंडारण सीमा तय करने का अधिकार राज्य को दिया गया था। उसके बाद केंद्र ने तय की गई समान भंडारण सीमा का प्रावधान करते हुए पाबंदी का आदेश 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया। बाद में इसे 31 दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में खाद्य तेलों और तिलहनों की मौजूदा कीमतों का अध्ययन करने के बाद भंडारण सीमा की समीक्षा की गई है। कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर लगातार आ रही नरमी को देखते हुए अब भंडारण सीमा हटाने का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।